अभी हम निकल रहे हैं 8:30 बजे रामायण होटल। रात के टाइम पे ना गाड़ी रुकाने का ही नहीं। अच्छा। कोई भी आपको अगर बोलेगा भी ना तो भी बोलोगे ना रोड में खड़े रहते हैं। अच्छा। So, ये और एक टोल नाका है। इसकी कीमत है 95 रुपीस। और ये घाट सेक्शन स्टार्ट होते हुए जब यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको ये प्ले पार्क मिलेगा, लाउंज एरिया। रिसेप्शन, गेम एरिया, कैरम बोर्ड, डाइनिंग एरिया, ये वॉशरूम है कैब वाले लोग के लिए। बुफे एरिया है पूरा। ये किसी का बच्चा तो खेल रहा है, टेबल टेनिस। अरे गार्डन एरिया, यहाँ पे आप शाम को बैठ के व्यू का आनंद ले सकते हैं। और ये पार्किंग एरिया ऐसा जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। सो ये वैली व्यू नेस्ट का होटल रूम है, इसका टॉयलेट बाथरूम है, टीवी एरिया है, बहुत ही छोटे रूम है। यहाँ से जब ये सब खुलेगा यहाँ पे आओगे आप लोग, ऐसा व्यू है। यहाँ से आप अंदर एसी दिया है। धूप का सांवलापन घटाना है तो दुपट्टे के साथ ये लगा। तो ये है टेबल लैंड महाबलेश्वर। ये यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपको अंदर एंट्री होती है। ये टेबल लैंड है और यहाँ से आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है जगह। आप देख सकते हो उस साइड जाएंगे
तो सारे पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर फ्री है, बट आगे जाने का कोई भी पॉइंट घूमने का 1600 रुपये से स्टार्ट होता है इनका रेंज। शूट रहता है ना, हाँ वो ज्यादातर इसके ऊपर होता है। अच्छा, ये प्लेटू बोलेंगे तो शूटिंग के लिए ज्यादातर फेमस है। अच्छा। बॉम्ब ब्लास्ट, कार एक्सीडेंट वगैरह जो रहता है ना, हाँ वो इसके ऊपर होता है। ओके। दूसरी बात, पंचगनी बोलेंगे तो स्कूल और होटल के लिए बहुत फेमस। चल सो ये टाइगर पॉइंट है पंचगनी का, 10 रुपीस प्राइस है। ये कैफे है और यहाँ से आप सनसेट देख सकते हो, यहाँ से फिर रिटर्न। चलिए हाँ, फिर आगे क्या बताइए। ये पूरा जो ग्रीन ट्रीज दिख रहा है ना, हाँ ग्रीन वैली पॉइंट है। साल के 12 महीने ऐसे ग्रीन रहता है। अच्छा, ग्रीन वैली का रीजन क्या है, यहाँ पे बारिश बहुत होता है। ओके, तो 4 महीने जो बारिश होता है ना, हाँ वो बारिश का पानी ये स्टोन्स में जमा होता है। अच्छा, और 1 ईयर तक इनको मिलता रहता है, इसलिए ग्रीन दिखते हैं आपको। ओके, जो राजस्थानी मूवीज का लास्ट का सीन देखो, जंगल दिखा है। हाँ, जो बच्चा जो गिरता है ना, बच्चों को जो लेके जंगल से भागते है, जंगल की शूटिंग है। अच्छा, गाड़ी तो ये अब हम जा रहे हैं पार्किंग लॉट की तरफ। पूरा जर्नी हमने किया, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये वैली नैश का इवनिंग टाइम है, हमारा रूम। Day 2। सो ये मॉर्निंग का टाइम है वैली नैश का। ये रेस्टोरेंट है सुबह सुबह। तो ये है सुपर डिलक्स रूम। ऐसे आप आओगे तो टीवी और ये मिलता है, ऐसा बेड है। यहाँ पे आप आओगे तो बाथरूम एरिया, बस इतना ही है। एसी है, सब विंडो से बाहर निकलोगे। तो ये है सिडनी पॉइंट, ये देखिए ये नीचे का नज़ारा। सो ये है सिडनी पॉइंट, टॉप वर्जन है ये। यहाँ से आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। मैप्रो गार्डन, इधर से आप आते हो और आप सब कुछ शॉपिंग कर सकते हो। सो ये वॉकिंग एरिया जहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी क्रीम मिलेगी जो यहाँ की फेमस है। यहाँ पे यही चीज़ खाने के लिए लोग आते हैं, ये चीज़। तो ये है काउंटर जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो। ये रेस्टोरेंट एरिया है। तो ये महाबलेश्वर का महादेव मंदिर है, यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पे आगे आप आओगे तो 10 रुपया लोकल लेते हो, यहाँ का पार्किंग का 20 रुपया है। और अब मंदिर का पता नहीं, यहाँ पे लूट मचा के रखी है इन लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। महाबलेश्वर का मंदिर है शिव जी का।
ये है लेडविक पॉइंट। सो ये रूट है लेडविक पॉइंट और एलिफेंट पॉइंट के लिए जंगलों से निकलते हुए। बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। रोड एकदम ही ख़राब बट जंगलों का फील होगा आपको। ये है चैडविक पॉइंट। तो ये है एलिफेंट हेड जहाँ पे हम अभी पहुँचे। इधर आग लगी हुई है नीचे, तो जैसे धुआं देख सकते हैं। और अब हम हेड के ऊपर जा रहे हैं। चलिए ये देखिए पहाड़ों पे आग कैसे लगती है। धीरे 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 करके ये टॉप एरिया में देखिए आग कैसे फैल रही है। ये देखिए आग कैसे फैलती है पहाड़ों पे और धीरे 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 कैसे आगे बढ़ती है। सो ये हम एलिफेंट हेड के टॉप पे आ गए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो ये हम चल रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, जो महाबलेश्वर का और एक ब्यूटीफुल पॉइंट है। यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आई हैं आज सैटरडे। आगे चलते हैं। ये है सनसेट पॉइंट। ये देखिए सनसेट पॉइंट। लुक एट द क्राउड। सनसेट पॉइंट से निकलते हुए क्या लग रहा है वीडियो में, तो लग रहा है भाई कुछ बहुत बड़ा जल है। डे थ्री और ये हम कर रहे हैं फ्री फॉल। देखिए ये है पंचगिनी का अद्भुत नज़ारा। फ्री फॉल हो।